कैमरे में कैद सच कभी झूठ नहीं बोलता। आज हम करेंगे कोर्ट परिसरों में कानून से हो रहे खिलवाड़ को बेनकाब। अदालत की दहलीज पर इंसाफ के लिए दस्तक दी जाती है और यहीं लाए जाते हैं केस से जुड़े मुजरिम, लेकिन पुलिस की लापरवाही से पेशी के लिए आए कई मुजरिम भाग जाते हैं। पटना में पेशी के दौरान भागने वाले सत्येंद्रनाथ दुबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी उदय पासवान हो या फिर गया कोर्ट में पेशी के दौरान भागने वाले आरजेडी के पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद यादव, दोनों ही मामलों में पुलिस की भूमिका संदेह के दायरे में रही है। लेकिन कानून की नुमाइंदगी करने वाली पुलिस ने क्या इन घटनाओं से कोई सबक लिया? आज हम करेंगे बिहार की अदालत परिसरों से जुड़े इसी सच को बेनकाब। अदालत, हर रोज यहां सैकड़ों मामलों की सुनवाई होती है। संगीन मामलों के फैसले सुनाए जाते हैं। पेशी और गवाही के लिए यहां आते हैं कई खतरनाक अपराधी और ऐसी ही अदालतों में कई बार अचानक हो जाता है खून खराबा। मतलब ये कि अदालत की चार दीवारी में भी लोग महफूज नहीं हैं और अपराधी कुछ भी करने को आजाद हैं। ऐसा किसी भी अदालत में हो सकता है, क्योंकि जिस पुलिस पर कानून की रखवाली का जिम्मा है वो अपराधियों की मेहमान नवाजी करने लगी है। पटना का फास्ट ट्रैक कोर्ट, हमेशा की तरह कोर्ट के परिसर में भीड़ भाड़ है। आज भी यहाँ तमाम केसों की तारीखें लगी हैं। वकील हैं, केस से जुड़े लोग हैं और जेल में सजा काट रहे कुछ मुजरिम हैं, जो पुलिस के साथ अपने केसों की सुनवाई के लिए आए हैं। कानून कहता है कि ऐसे मुजरिमों को किसी तरह की ढील नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन पटना के इस कोर्ट परिसर में हमने कानून का खुलेआम मजाक बनते देखा। हमने देखा कि किस तरह कुछ दबंग मुजरिम नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे बात करें तो ना सर, हम बात करें इतना से उड़ाजू खोल के हमरा खोल के ग्रुप पास दिए थे। चलो पहला आदमी एक ग्रुप में है, सब बढ़ जा रहा था आगे। पटना के फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमारे सामने थे कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले नजारे। यहां मौजूद थे अपने अपने केस के सिलसिले में पेश होने आए कुछ दबंग मुजरिम और उन्हें पेशी के लिए लाने वाले पुलिस कांस्टेबल। लेकिन मुजरिम और कांस्टेबल जिस तरह एक दूसरे से पेश आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी केस की पेशी पर नहीं बल्कि पिकनिक पर आए हों। कानून के मुताबिक पेशी के लिए लाए गए मुजरिमों के अदालत परिसर में इस तरह खुलेआम घूमने या खाने पीने की सख्त मनाही है। लेकिन जब कानून के नुमाइंदे यानी उनके साथ आए पुलिसकर्मी खुद उन्हें ये छूट दे रहे हैं, तो कानून क्या करे? आमतौर पर कोई भी कांस्टेबल पेशी पर लाए गए मुजरिम को सीधे अदालत ले जाता है और पेशी के बाद वापस उसे सीधे जेल ले जाता है। लेकिन क्या चाय की दुकानों और फोन बूथ्स पर खुलेआम इस तरह मुजरिमों को खड़ा किया जा सकता है? ये मामला संगीन है। जेल में सजा काट रहे अपराधी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो भी पुलिस के सामने। अब जरा नजर डालिए मोबाइल पर बातचीत कर रहे इस शख्स पर। ये भी पेशी के लिए आया एक मुजरिम है, लेकिन जेल की कैद से कोर्ट में सुनवाई के लिए आया ये शख्स खुलेआम मोबाइल पर बात कर रहा है। वो बात कुछ भी हो सकती है, जेल से भागने का प्लान, अगली वारदात की साजिश या फिर अपने साथियों से उनकी गतिविधियों की जानकारी। कोर्ट परिसर से अपराधियों के भागने की घटनाएं आए दिन अखबारों की सुर्खियों का हिस्सा बनती हैं, लेकिन पुलिस को जैसे इन सब घटनाओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात यहीं खत्म नहीं होती, नजारे और भी हैं। यहां नजर डालते हैं, यहां हो रहा है पैसे का लेन देन, लेकिन ये पैसा देने वाला कौन है? दरअसल पैसा देने वाला भी पेशी के लिए आया एक मुजरिम है और पैसे लेने वाला है एक पुलिस वाला।
लेकिन ये मुजरिम आखिर एक पुलिस वाले को पैसे क्यों दे रहा है? पुलिस से ये सवाल पूछेगा भी कौन? पटना के फास्ट ट्रैक कोर्ट और सिविल कोर्ट में हमारे सामने ऐसे कई मामले थे जहां पेशी के लिए आए मुजरिम खुलेआम कोर्ट परिसर में चहलकदमी कर रहे थे। कभी होटल में बैठकर चाय कॉफी हो रही थी तो कभी मोबाइल फोन पर लंबी बातचीत, और ये सब हो रहा था कानून के रखवालों की मौजूदगी में। पुलिस को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि ये मुजरिम उनकी कैद से भाग सकते हैं या फिर कोई इन पर हमला भी कर सकता है। जो कुछ इस अदालत परिसर में हो रहा है वो मजाक नहीं है। अलग अलग अपराधों के लिए सजा काट रहे कई खतरनाक मुजरिम यहाँ पेशी के लिए आते हैं। इन मुजरिमों को पकड़ने में पुलिस ने कड़ी मेहनत की है, कई बार तो सिपाहियों ने अपनी जान तक दे दी है। इनमें से कई ऐसे पेशेवर मुजरिम हैं जो अगर जेल से भाग जाएं तो शायद फिर कई संगीन वारदातों को अंजाम दें। लेकिन ये बातें शायद इनके साथ आए पुलिस वाले नहीं सोचते। इसके अलावा सवाल मुजरिमों के भागने का ही नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा का भी है। कई मुजरिम आपराधिक मामलों में जरूरी गवाह होते हैं। अदालत परिसर में खुलेआम घूमने के दौरान केस से जुड़ा कोई व्यक्ति इन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसी कई घटनाएं सामने भी आई हैं जहां कोर्ट परिसर में गवाहों की सरेआम हत्या कर दी गई। कई बार तो होता है कि पुलिस वालों को कुछ खिला दिया और भाग गए, या कोई पुलिस कोई जोर जबरदस्ती करके, कोई दूसरा ग्रुप इनका आया, उन्होंने जोर जबरदस्ती करके या कुछ वेपन्स का इस्तेमाल करके या फायरिंग करके वो भगा के ले गए। इसमें जैसी परिस्थिति होती है, अगर ये होता है कि पुलिस वाले की नेग्लिजेंस से वो भागा, अगर कुछ खा के खिला के भागा वो, तो इसका मतलब नेग्लिजेंस है। लेकिन इसके बावजूद पेशी के लिए आए मुजरिमों को ढील दी जाती है। ऐसे ही एक मुजरिम है सुल्तान मियां। सुल्तान मियां के खिलाफ बिहार के विभिन्न थानों में 31 संगीन मामले दर्ज हैं। इन पर लगे आरोपों की सूची काफी लंबी है। ये मामले भी छोटे मोटे नहीं हैं। इन पर हत्या के आरोप, हत्या का प्रयास, अवैध हथियारों के जरिए वसूली, अपहरण और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। सुल्तान मियां को अब अदालत से बेल मिल चुकी है और ये आजाद हैं। लेकिन ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जब वो जेल में थे और किसी मामले की सुनवाई के सिलसिले में कोर्ट आए हुए थे। कानून के मुताबिक सुल्तान मियां जैसे खतरनाक मुजरिम को कड़ी सुरक्षा में अदालत ले जाना चाहिए, लेकिन जरा देखिए सुरक्षा के नाम पर चल रहा ये मजाक। हमारे कैमरे में ऐसे कई चेहरे कैद हुए जो संगीन मामलों में जेल में सजा काट रहे हैं। यही लोग जब कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई के लिए आते हैं तो इन पर कड़ी नजर रखने के बजाय इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है और मोबाइल फोन जैसी सुविधाएं तक दी जाती हैं। ऐसी घटनाएं सामने आने पर पुलिस सख्ती की कवायद करती है, लेकिन यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ब्रेक के बाद करेंगे कुछ और खुलासे, देखते रहिए बेनकाब। अनिरुद्ध करेंगे बेनकाब।